हुलिंग जांच मामले में जो है आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भेजा गया जेल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप एक आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप एक आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अगर आपको कोई समस्या है, अगर अपनी बातें आप सरकार तक कोई पहुंचाना चाहती है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपनी वीडियो या फिर जो भी है आप अपनी शिकायत हमें भेज सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे। ओके, तो फाइनली आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए मामले के ऊपर नजर डालते हैं। ओके, तो देखिए, भूलिंग जांच मामले में आशा कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका को भेजा जेल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नगर के मोहल्ला कोतकला में हरियाणा राज्य की टीम द्वारा मंगलवार को भूलिंग जांच मामले का खुलासा किया गया। देर रात इस मामले में तीन नामजद समेत कुल पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें से आरोपी आशा कार्यकर्ता व एक आंगनवाड़ी सहायिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि छापे के दौरान घायल हुए आरोपी पोर्टेबल ऑपरेटर का पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा है। फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहल्ला कोतकला में काफी समय से पोर्टेबल मशीन द्वारा भू लिंग की जांच की जा रही थी। इस कार्य में लिंग जांच करने के मामले में दो बार जेल भेजा जा चुका युवक सुबोध शर्मा भी शामिल था, जो आशा कार्यकर्ता संगीता के घर में आंगनवाड़ी सहायिका गीता वे दोनों और दो अन्य लोगों के साथ भू लिंग जांच कर रहा था। जी हाँ, एक बात इस पर नजर डाली, एक बात जो इस पर गौर देने वाली है, जो आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है दोनों ही अपने घर पे ही भूलिंग की जांच करवाती थी। भूलिंग का जांच ये होता है कि जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसके जो पेट में जो बच्चा है वो जो है महिला है या फिर पुरुष है, यानी कि लड़का है या लड़की है, इसकी वो कंफर्मेशन करते थे, जो कि ये गैर कानूनी है। ऐसा करना जो है अपराध है और ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले भी ऐसा आप करवाओ या ऐसा हम करते हैं तो आप हरगिज न करें, आपकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। फाइनली आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।